Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, how are you all? Hope you all are basking in the glory. So today we're gonna start our next chapter and the name of the chapter is Tenses. But in this chapter, we're just gonna learn about simple present and simple past, okay? And simple future ka ek alag se chapter hai. First of all, we'll talk about tenses. There are three tenses, present, past and future. Okay, and they have four parts. Okay, those are simple, continuous, perfect and perfect continuous. So in today's video, we're gonna learn about simple present and simple past. Okay, so let's start. Simple present. Present, it means today. आज के अगर हम बात करते हैं, वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट का. ओके और वो सारे काम जो यूजफुल हैं, जो हम रोजाना करते हैं या हैबिचुअल काम है या हमारी डेली रूटीन है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का. ओके इसके लिए यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन. ओके साथ ही हम जब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, यूनिवर्सल ट्रुथ इट मीन्स जो सार्वभौमिक सच्चाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये ऐसी चीजें हैं जो कभी बदल नहीं सकती, तो इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ओके अब इस टेंस का अरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन. ओके मेन वर्ब इज लाइक एक्शन, जो हम काम करते हैं वो मेन वर्ब होती है. ओके एंड ऑब्जेक्ट इट मीन्स जो काम हो रहा है वो. फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो. ओके सब्जेक्ट का हम पता कर सकते हैं हु से. फॉर एग्जाम्पल, हु ईट्स मैंगो? राम. इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम. और ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं हम व्हाट से. व्हाट डज राम ईट? मैंगो. इट मीन्स ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है. एंड एज यू कैन सी द मेन वर्ब वी आर यूजिंग एस विद इट. ओके सो नाउ वी गोना लर्न वेयर विल हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वेयर विल हैव टू एड ई एस एंड वेयर विल हैव टू एड एस. ओके जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो. प्लूरल इट मीन्स जब भी दो नाम हो या फिर प्रनाम के रूप में हो, आई वी यू दे, तो हम यूज करेंगे सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का. ओके तो फिर एस और ई एस कहां यूज करें? तो जब भी हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर, ओके इट मीन्स एक नाम हो, या फिर सब्जेक्ट के रूप में हो ही शी इट, तो हम यूज करते हैं मेन वर्ब प्लस एस और ई एस. ओके अब एस कहां ऐड करना है, ई एस कहां ऐड करना है? तो ई एस की अगर हम बात करें, जब भी हमारी मेन वर्ब का लास्ट लेटर एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स हो, तो हम लास्ट में ऐड करते हैं ई एस. हमारी मेन वर्ब का एंड हो वाई से, लेकिन वाई से पहले क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो, तो हम यूज करते हैं आई ई एस. हम वाई को हटा देते हैं और आई ई एस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैरी. कैरी का मीन्स होता है ले जाना, लास्ट में वाई है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यूज करेंगे कैरीज. ओके लेकिन अगर वही मेन वर्ब एंड होती है वाई से, लेकिन वाई से पहले हो कोई वॉवल, तो हम वाई को रिमूव नहीं करते हैं. क्या यूज करते हैं सिर्फ लास्ट में? एस. फॉर एग्जाम्पल, बाय. बाय का मतलब होता है खरीदना, वाई है और वाई से पहले एक वॉवल है, इसीलिए हम प्लूरल बनाएंगे बायस. ओके और बाकी की जितनी भी वर्ब हैं उनके लिए हम यूज करेंगे लास्ट में एस. फॉर एग्जाम्पल, ईट. इन द लास्ट वी विल एड एस, सो इट विल बी ईट्स. टेक, टेक्स. ओके दे कैन बी मोर. नाउ वी गोना लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस विद सम एग्जाम्पल्स. ओके एज आई हैव टोल्ड यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं रेगुलर हैबिट, इट मीन्स रेगुलर एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन. ओके फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठती हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके
एज यू कैन सी आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल और सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो सकता है प्लूरल प्रोनाउन आई वी यू दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे क्या है आई, इसीलिए हमने सिर्फ यूज किया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वेक का मतलब होता है जगना। ओके अगर वही मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट की, इट मीन्स अगर हम यूज करें शी तो हम इसके साथ एस और ई एस यूज करेंगे, तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके वन मोर एग्जाम्पल, शी गो टू स्कूल। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो no. क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर और वर्ब एड हो रही है ओ से, तो सो वी विल एड ई एस इन द लास्ट, शी गोज टू स्कूल। ओके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमारी बस हमें स्कूल ले जाती है। ओके बस कैरी अस टू स्कूल। ओके बस क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके और जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस। अब आप देख सकते हैं कैरी में लास्ट में है वाई और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम वाई को रिमूव कर देंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे आई ई एस कैरीज। ओके वह ताजी सब्जियां खरीदता है, ही बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके अब आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर और हमारा जो मेन वर्ब है वो वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले क्या है एक वॉवल, इसीलिए हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे सिर्फ एस। ओके होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। ओके पास्ट सिंपल टेंस, तो जब भी हम पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हम मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब सेकंड फॉर्म। ओके इट मीन्स वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी विल यूज ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म। कल मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा। ओके आई बॉट अ मोबाइल यस्टरडे। ओके आई बॉट अ मोबाइल, या फिर आप लिख सकते हैं शी एट एन एप्पल। अब आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है प्लूरल, हम तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। ओके इट मीन्स वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी विल यूज ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स। ओके और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। ओके नाउ आई एम गोना टेल यू द पास्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स। ओके ओके पास्ट फॉर्म ऑफ ईट इज एट बाय bought, take, took, okay, go, went, has or have का past form होता है had, okay, drive का past form होता है drove, come का past form होता है came, डांस का पास्ट फॉर्म होता है डांस्ड, सिंग का पास्ट फॉर्म होता है सैंग, प्ले का पास्ट फॉर्म होता है प्लेड और टीच का पास्ट फॉर्म होता है टॉट। ओके स्टूडेंट्स दैट्स इट स्टूडेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस। Now we're gonna do some exercises, okay? Okay, this is your first exercise and what you have to do in it, pronouns have given to us, simple form have given to us, but we'll have to change the verb according to the present form. Okay, so let's start. I, we, you, they. अगर subject में हो तो हम use करते हैं verb first form और present form में भी हम verb first form रखते हैं. Okay? As I have told you the rule, if there is I, we, you, they at the place of subject, तो हम हमेशा verb first form का ही use करते हैं. Change कब करते हैं? जब हमारा subject हो singular, it means he, she, it. Okay? So now we're gonna change it. First is he, she, it. और हमारे पास verb है buy. So present form में ये होगी buys. Okay? What is next? Push. Last में है sh, तो add होगा es. Okay, what is next? Study.
लास्ट में है वाई और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, इट मीन्स वाई को रिमूव करेंगे और आई एस एड करेंगे, तो ये होगा स्टडीज. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, अराइव, सो वी विल एड इन द लास्ट एस अराइव्स. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, वॉच, इन द लास्ट देयर इज सी एच, इट मीन्स विल एड ईएस इन द लास्ट वॉचेस. व्हाट इज नेक्स्ट, मेक, दिस विल बी मेक्स. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, ही शी इट एंड द वर्ब इज रीच, इन द लास्ट एज यू कैन सी सी एच इज देयर, इट मीन्स इन द लास्ट विल एड ईएस, सो दिस विल बी रीचेस. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, try, in the last there is y but before y there is a consonant, it means so we will remove the y and we'll add in the last ies, so this will be tries. Okay, what is next, brush, in the last there is sh, it means we will add es in the last, so this will brushes. Okay, okay students, this is your next exercise and what you'll have to do, you'll have to fill the blanks with the help of simple present tense, it means you'll have to use verb first form with s or es, or you can use only verb first form. Okay, but it depends on the subject. If the subject is singular, then we'll use verb first form with s or es, and if the subject is plural, then we will use only verb first form. Okay, so let's start. What is first? The dog on the floor. The dog is on. The dog is singular. It means we'll write s or es, l I e s, lies. Okay, what is next? The birds. It means plural. That's why we will use only verb first form. What is next? The river. Singular hai. It means verb first form with s or es. Flaws. Okay. What is next? Sushil. Hard for his test. Study. Sushil singular hai. Isliye hum use karenge studies. Okay. What is next? Sharon in the afternoon. Singular hai. Sleeps. Okay. What is next? The earth. Revolves, क्योंकि अर्थ क्या है, सिंगुलर है. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, शैलजा, सिंगुलर है और हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और यस, इसलिए हम फिल करेंगे गर्ल्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड व्हाट यू हैव टू डू इन इट, सिंपल पास्ट सेंटेंस हैव गिवन टू अस, इट मींस हमें सेंटेंस दिया गया है सिंपल पास्ट में और हमें उसको चेंज करके सिंपल प्रेजेंट में बनाना है. ओके सिंपल पास्ट में आती है वर्ब सेकंड फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट पे हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस. ओके सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, आई एड अ बार ऑफ चॉकलेट यस्टरडे, इट मींस मैंने कल एक चॉकलेट बार खाई, एज यू कैन सी यहाँ पे एड है. अब हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो सेंटेंस होगा आई ईट अ बार ऑफ चॉकलेट यस्टरडे. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, नोवा हैड थ्री पेट्स, हैड, हैड का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज. ओके नोवा हैज थ्री पेट्स. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, द चाइल्ड प्लेड विद हिज टॉयज, सो वी विल राइट इट द चाइल्ड. अब चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे प्लेज विथ हिज टॉयज. ओके द मंकी एट द बनानास. ओके मंकी क्या है, सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, सो दिस विल बी द मंकी ईट्स द बनानास. ओके व्हाट इज नेक्स्ट, हॉर्सेस गैलोप्ड एट ग्रेट स्पीड, horses it means plural, it means we are going to use only verb first form, so this will be the horses gallop at great speed. Okay what is next, the elephant carried many people on its back, so this will be the elephant carries many people on its back. Okay, what is next? I help my mother in the kitchen. So this will be I help my mother in the kitchen because the subject is plural. What is next? We had guests for the dinner last night. So this will be we
have guests for dinner last night. Okay, what is next? Ajay jumped off the table. So this will be Ajay jumps off the table. Okay, what is next? I closed the door before going to bed last night. So this will be I closed the door before going to bed last night. Okay? Okay, students, this is your next exercise, and what you'll have to do in it, the present form of verbs have given to us, and we'll have to write the past form of the verbs. Okay, so let's start. What is first? Break. So break ka second form hota hai broke, or you can say the past form. Okay, what is next? Bring. Iska past form hota hai brought. Okay? What is next? Blow. Iska past form hota hai blew. What is next? Catch. Iska past form hota hai caught. What is next? Choose. Iska past form hota hai chose. Choose, chose, chosen. What is next? Do. Iska past form hota hai did. Next is drive. Iska past form hota hai draw. Okay, what is next? Drink. So the past form is drank. Okay, what is next? Fall. Past form is fell. What is next? Run. Iska past form hota hai ran. Okay, that's it. We will do our remaining exercise in our next video. Okay, for latest video, you have to subscribe the channel and press the bell icon. Okay, thank you. Thanks for watching.